हेलो वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और एब्सोल्यूट यानी एबीएस फंक्शन का क्या यूज है? एबीएस फंक्शन आपने एक्सेल में भी देखा होगा, सेम यूज पाइथन में भी वही है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक, और यहाँ पर यूज करता हूँ एबीएस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एबीएस लगाया हमने और यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं, लाइक सपोज कीजिए मैं दे देता हूँ -7.88, ये दे दिया मैंने और इस ब्रैकेट को किया क्लोज, और क्लोज करने के बाद इसी को प्रिंट करवा देते हैं, यानी ए को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है आपको प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे ए को प्रिंट करवाइए। तो जैसे ही आप प्रिंट करवाएंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहले इसको सेव कर लेता हूँ, सेव पे जाके कंट्रोल एस भी आप कर सकते हैं प्रेस, और यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ abs.py। ठीक है, तो ये देने के बाद बस एंटर कर दीजिए, और ये यहाँ से F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप, और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बना देगा इसे। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर केवल माइनस मिले, जैसे कि ये है ना 7.88 दिया मैंने, तो इसे हटा देता हूँ, केवल माइनस दे देता हूँ -7। अब क्या होगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस प्रेस कर लेता हूँ सेव करने के लिए, और फिर यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस हट गया है और केवल ये 7 बन गया है। तो कुछ इस तरीके से एब्सोल्यूट फंक्शन यानी एबीएस फंक्शन काम करता है पाइथन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं -7.2 कर देता हूँ -2। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्या ये एक्सिक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम? आइए देख लेते हैं एक बार। इसको हमने जैसे ही एक्सिक्यूट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -7.2 किया था मैंने, तो इसका रिजल्ट जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे 3.5 आ रहा है, माइनस यहाँ से हट गया। ये माइनस वगैरह हटा देता है एब्सोल्यूट जो फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये माइनस वगैरह नहीं लगने देगा और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे देता है।